आपके बिजनेस में आप सुनना चालू करो, जब सुनना चालू करेंगे तो आपका बिजनेस एक नए लेवल पे जाएगा। तो लिसन करो, हियर मत करो। हियरिंग मतलब वो शब्द सिर्फ कान पे आते हैं और आपने वो आवाज़ को सुन लिया। लिसन मतलब एक्चुअली वो क्या बोल रहे हैं वो समझ लेना, उसका अर्थ निकालना। मगर लोग जो सुनते हैं और उसका अर्थ निकालते हैं वो अपने को जैसा अभिप्रेत है वैसा अर्थ निकालते हैं, तो वैसा अर्थ न निकालते, वो एक्चुअली क्या बोल रहा है वो सुनना। और वो सुनने के लिए वो देखना पड़ेगा, देखना, सीइंग, कि वो क्या बोल रहा है। सामने वाला जो भी बोल रहा है, जस्ट लिसन, वो क्या बोल रहा है, उसमें कोई ओपिनियंस, इंटरप्रिटेशंस, मेमोरीज कुछ भी ऐड न करते हुए वो जो शब्द बोल रहा है उसके ऊपर ख्याल देना, उसके ऊपर फोकस देना। जरूरत नहीं कि आपने उसको एग्री करना है, जरूरत नहीं कि आपने आपका ओपिनियन उसके ऊपर देना है, कुछ भी आवश्यकता नहीं है। आपने सिर्फ सुनने का है, उसके फीलिंग्स, उसके थॉट्स, उसको क्या लगता है, उसके दुनिया में जाके उसको जैसा लगता है वैसा महसूस हमने करना है और सुनना है। क्योंकि वैसे भी आपको यदि कुछ बोलना है तो वो सुनने के मूड में है नहीं, क्योंकि वो बोल रहा है। आपने उसको रुका के कुछ बोल दिया तभी वो सुनने वाला है नहीं, क्योंकि वो बोल रहा है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बोलना ठीक है भाई तू बोल, मैं सुनता हूँ। उसको पूरा खाली होने देना है, और खाली होने के बाद में जब आप बोलना चालू करेंगे तो फिर वो सुनेगा। और आपके बोलने में हो सकता है कि वो बीच में रुकाएंगा आपको, और रुका के आपको बोलेंगे ठहरो अभी वो बात चालू करेंगे, फिर अपन ने चुप रहना है और उसको बोलने देने का है। क्योंकि जब तक सामने वाला खाली नहीं होता तब तक वो बोलते रहने वाला है। अबला वो, क्योंकि जब सामने वाला खाली नहीं होता तब तक वो अपना सुनने वाला है नहीं। हम, हो सकता है कि हम एग्री नहीं करेंगे ना उसको, हो सकता है कि हमको समझ नहीं रहा है। तो फिर आपने क्या करना है, सिर्फ उसको पूछना है कि आपका, आपके बोलने का क्या अर्थ हो गया, क्या आपको यही कहना है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मतलब आप सवाल कर सकते हैं, सवाल जब आप करेंगे तो और उसको एक्सप्लेनेशन देंगे और सामने वाला व्यक्ति, और एक्सप्लेनेशन देके फिर आपको पटेगा नहीं पटेगा बात अलग है। आपको लगता है ऐसा कि लोगों ने आपको समझना चाहिए, तो फिर पहले आपने लोगों को समझना चाहिए। जब आप साइलेंस में लोगों को सुनेंगे, जब साइलेंस में सुनेंगे उसको सिर्फ रिक्रिएट करेंगे, उसने जो बोला वो आप बैक ट्रैकिंग करेंगे, पैराफ्रेजिंग करेंगे या रिफ्रेजिंग करेंगे, रिक्रिएट करेंगे, तो सामने वाला शांत हो जाएगा, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। लोग बड़े हैं, बहुत बड़े हैं लोग, उनको मालूम है सोल्यूशन क्या है। आपने कोचिंग देने की जरूरत नहीं है, आपने सोल्यूशन देने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ शांत बैठना है, शांत बैठ के सुनने का है। जब आप सुनेंगे उसका जवाब उसको ही खुद को मिल जाएगा। तो आज से आपने क्या करना है, सुनना चालू करना है। बोलना कम है, इसलिए भगवान ने हमको एक मुंह और दो कान दिए हुए, जितना बोलते हैं उससे डबल सुनना चालू करो। और लोगों को जब आप सुनेंगे तब लोग आपको सुनना चालू करेंगे। लोगों के कुछ भी प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ भी समस्या होंगी, जो भी कुछ लोग फेस करते होंगे, हमने सिर्फ सुनने का है, एक उनको शीशा बताने का, एक मिरर बताने का है। वो जो बोल रहे हो आप सिर्फ मिरर बता देंगे, उसको जवाब उनको मिल जाएगा, वो जो डील कर रहे हो उसका जवाब उनको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो आपने सुनना चालू करो, लिसन लिसन, और कुछ भी पास न लाते हुए, कुछ भी इंटरप्रिटेशन, ओपिनियंस कुछ भी न लाते हुए, कोई जजमेंट पीछे से कुछ भी न लाते हुए, वो जैसा बोल रहा है वैसा सुनो, फ्रेशली सुनो, नए सिरे से सुनो, जैसा उसको लगता है वैसा सुनो, और एक मैजिक आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा। सामने वाला आपका बोलना सुनना चालू करें, मतलब आप जो बोल रहे हो सुनना चालू करें, सामने वाला आपको फॉलो करना चालू होगा, और आपको लगेगा अरे यार सब लोग मेरा सुन रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ सभी लोग सुन रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। बोले तो ऐसा ही नहीं होता था, बोले वो काम ही नहीं करते थे। काम क्यों नहीं करते थे, क्योंकि वो सुनते नहीं थे। और वो सुनते क्यों नहीं थे, क्योंकि आप सुनते नहीं थे। तो आपको यदि लोगों ने काम करना चाहिए, आपके एंटरप्राइज में लोगों ने काम करना चाहिए, आपके कंपनी में आप जो बोलते हो लोगों ने सुनना चाहिए, ऐसा होना है तो आपने सुनना चालू करना है। लिसन लिसन एंड लिसन केयरफुली, रिक्रिएट, और एक मैजिक हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।